राजधानी शिमला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर किसका राज होगा, ये खुलासा तो 4 मई की तारीख के साथ होगा। लेकिन उससे पहले राजधानी में चुनावी शोर जोरों पर है। बीजेपी का जो दबदबा बीते 10 सालों से शिमला नगर निगम पर है, कांग्रेस उसे खत्म करने के लिए हैट्रिक लगाने का दम भर रही है और दावा कर रही है कि साल 2022 में कांग्रेस लगातार तीसरा चुनाव जीतेगी। निश्चित रूप से हैट्रिक जिस तरह से 2021 में भी 4-0 के साथ उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते, उसके उपरांत 2022 का चुनाव जो धनबल और जनबल के बीच का चुनाव था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के आश्वास जीती है। और यहां पर भी निश्चित रूप से 10 वर्ष की अवधि के बाद मैं समझता हूं मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा। अपनी इस हैट्रिक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार लोगों के बीच अपने 100 दिन के काम के प्रचार का प्लान बना रही है। आने वाले दिनों में पार्टी के बड़े नेता भी प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में दिखेंगे। लगभग 100 दिन के आसपास की अवधि हुई है और इस कार्यकाल के दौरान जो हमारी सरकार ने कार्य किए, चाहे उसमें कर्मचारी वर्ग की बात आती हो, OPS को लागू करना जो मैं समझता हूँ हमारी मुख्य वचनबद्धता थी हिमाचल की जनता जनार्दन के साथ, हमारे कर्मचारी भाइयों और बहनों के साथ, वो हमने मैं समझता हूँ इस महीने से उसका प्रारूप भी प्रारंभ हो चुका है। कैबिनेट मंत्री से सवालों की लिस्ट में जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने का सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने कैसे इसे निगम चुनाव से जोड़कर कहा कि बीजेपी खुद को बैकफुट पर देख रही है, इसलिए चुनावी माहौल में बदलाव का फैसला किया गया है। कि पार्टी का आंतरिक मामला है, ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है। बीजेपी पहले ही अपने वादों की पूरी लिस्ट जनता के सामने रख चुकी है और कांग्रेस अपने 100 दिन के कामकाज के दम पर जीत के दावे कर रही है। ऐसे में शिमला का मूड क्या है, ये तो चुनाव के नतीजों के साथ ही साफ होगा कि जनता बीजेपी को तीसरी बार निगम में मौका देगी या फिर कांग्रेस का हैट्रिक का सपना पूरा होगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।